हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर एक पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा सरकार है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। पीएम मोदी ने 5 साल पहले देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक सपना देखा, सपना युवाओं की ऊर्जा को नए पंख देने का, नए आइडियाज को बड़ी उड़ान देने का, ऐसे आइडियाज जो देश को बदल सके, देश की समस्याओं का खुद का अपना समाधान ढूंढ सके। सपना था हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बिछाने का, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सरकार या निजी क्षेत्र की तरफ नौकरियों के लिए ना देखता हो बल्कि कुछ लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता हो, क्षमता देश की समस्याओं का हल ढूंढने की, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने की, क्षमता नए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की। 5 साल पहले देखा गया सपना अब जमीन पर कैसा नजर आता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम बन चुका है। आकार के लिहाज से ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यही नहीं, यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से बड़ी कंपनियों की संख्या में भी भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग भी भारत से पीछे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां सिलिकॉन वैली में हैं, और यहाँ का भारतीय कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। बात अगर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की करें तो देश के 590 जिलों में 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत के कोने कोने में काम कर रहे हैं। 23 राज्यों के 224 जिले ऐसे इलाकों में हैं जिसे Tier 2 या Tier 3 सिटीज के तौर पर जाना जाता है। औसतन एक स्टार्टअप 11 लोगों को नौकरी देता है, और अब तक 4,60,000 नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। 44% स्टार्टअप में महिला एंटरप्रेन्योर्स कंधे से कंधा मिलाकर देश की समस्याओं का हल ढूंढने में अपना योगदान दे रही हैं। सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स देश के 338 स्टार्टअप्स में निवेश भी कर चुके हैं। कोविड के दौरान ही भारत ने 10 नए यूनिकॉर्न यानी $1 अरब की स्टार्टअप कंपनियों को जन्म दिया। 648 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डील्स हुई। ई कॉमर्स, एड्यूटेक, फूड टेक, लॉजिस्टिक्स यानी खेती बाड़ी से लेकर खुद की मैन्युफैक्चरिंग तक, कृषि से लेकर स्पेस तक, ब्लॉकचेन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर जगह स्टार्टअप्स की धूम है। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक ओर घरेलू स्तर पर जहां 19 से ज्यादा एक्शन पॉइंट्स के जरिए करीब 40 बड़े रिफॉर्म्स किए, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देशों के साथ स्टार्टअप संबंधों को लेकर समझौते भी किए। फंडिंग हो या फिर टैक्सेशन के मोर्चे पर राहत देना, बाजार तक पहुंच बनानी हो या फिर थामना हो मेंटर्स का साथ, स्टार्टअप इंडिया हब पूरे सिस्टम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आप